राजधानी भोपाल के थाना साहिबगंज और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिन दहाड़े हुई लूट की घटना के आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी अहमद रजा पिता अब्दुल सत्तार ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ स्कूटी से जा रहे थे, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने चक्कर मारकर उनकी स्कूटी से 5,25,000 रुपए लूट लिए। अहमद रजा ने थाना साहिबगंज में घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल और एयू बैंक रूट मार्ग का निरीक्षण किया गया और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज प्राप्त किए गए। इन फुटेज में दो संदिग्ध नकाबपोश व्यक्ति स्कूटी पर सवार दिखे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर थाना साहिबगंज क्राइम ब्रांच और शाहपुरा थाना की टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान फरियादी के साथ ही अनस अली की भूमिका संदिग्ध पाई गई। कड़ी पूछताछ में अनस अली ने अपराध स्वीकार किया और अपने साथी अल्ताफ अंसारी और अयान के नाम बताए। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटे गए 5,25,000 रुपए बरामद कर लिए। सर, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लूट की वारदात को अंजाम दिया था, क्या पूरा मामला है? कल हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई। जब भी कल हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई थी, जिसमें खासतौर पर उस एयू बैंक से, जो कि हबीबगंज थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ से पैसे निकाल के लाने के बाद एक फरियादी के साथ उसमें लूटपाट की घटना हुई। खासतौर पर बैंक से निकलने के बाद जब वो स्कूटर से पैसे लेकर वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, और उसके कुछ ही देर बाद दो ऐसे युवक जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, दो अज्ञात युवक उस समय अज्ञात थे, उनके द्वारा आ करके उसके स्कूटर को टक्कर मारी गई, उसको पैसे लूट लिए गए। घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी और बैंक की सुरक्षा संबंधित एक परसों बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी ली गई थी, उसमें बैंक से जुड़े सारे मुद्दों पर इस तरह की बात की गई थी। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस तरह के मामले को तत्काल निकाला जाए। पुलिस की टीम जिसमें DCP जोन 1 प्रियंका शुक्ला, वहाँ पे खासतौर पे एडिशनल DCP जोन 1 ACP मयूर और साथ ही साथ DCP क्राइम और फिल के साथ साथ शैलेंद्र और मुख्तार कुरैशी, खासतौर पे पूरी थाना हबीबगंज की टीम, पूरी टीम ने बेहतर ढंग से समन्वय से काम शुरू किया और कुछ घंटों के अंदर इसमें उस व्यक्ति की, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर ली गई जिसका इस पूरे मामले में हाथ हो सकता था। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की पहचान हुई जो शुरू से साथ में था और उसको पूरे घटनाक्रम की और पैसे निकालने की पूरी गहरे ढंग से जानकारी थी। जब उस व्यक्ति से उसमें पुलिस ने उस सारे सूत्रों को जोड़ा और पूछताछ की तो अंततः उसमें कड़ियां जुड़ने लगी, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी चुनौती थी कि उस मामले का खुलासा हो और अंततः उसमें जो पैसे गए हों, पैसे पुलिस जब्त करें। पुलिस ने लगातार उसमें जगह जगह पूछताछ की और कार्रवाइयाँ की, अंततः उसमें गए हुए अंततः 5,25,000 पूरी रकम जब्त कर ली गई है। इसमें चार आरोपियों की पहचान हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी फरियादी का साथी ही है, जो कि पैसा निकालने जाते समय भी साथ में था और पैसा निकालने के बाद वो अपनी दूसरी सवारी पर अपने वाहन पर आ गया था, लेकिन उसके पूर्व में वो साथ साथ रहा था। पूरी घटनाक्रम की उसको बारीकी से जानकारी थी और अंततः उसने जब देखा कि पैसे निकाले जाने के बाद उसने कुछ दूसरे लोगों के साथ मिल करके इस घटना को एक अंजाम दिया और उसमें उसका अंदेशा था कि जिनको साथ में है इसलिए उस पर शक नहीं जाएगा और दूसरे लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित कराई गई। बहरहाल, इस घटना से जुड़े चारों जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 5,25,000 रुपये इसमें जब्त कर लिए गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। खासतौर पर थोड़ी देर के लिए जो एक सनसनी पूर्ण वातावरण थोड़े कुछ घंटों के लिए जो इन आरोपियों के द्वारा बनाया गया था वो भी बिल्कुल उस पर कुहासा हट चुका है, साफ हो चुकी है घटनाक्रम और अंत से और पूछताछ की जा रही है। इनका और कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें भी खंगाली जा रही हैं और इस घटनाक्रम से जुड़ी अन्य कड़ियाँ साथ आ रही हैं। बहरहाल, बैंकों को बार बार इस चीज़ के लिए सचेत किया जाता है कि इसमें CCTV साथ ही साथ उनके जो सुरक्षा मानक है उसको लगातार वो बेहतर करें, अद्यतन करें, पुलिस को लगातार संबंधित जो जानकारियाँ हैं उपलब्ध करें
इसमें संबंधित जो आसपास के बैंक थे उनके पास जो तकनीक थे उन साधनों का भी पुलिस ने उपयोग किया और पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, एक जहांगीराबाद